तो है गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल के एक और वीडियो में। और आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं धनुष की नई फिल्म जग में थंडीराम। जग में थंडीराम या जग में थंडाराम, हाँ ठीक है, जग में थंडीराम। तो वह मूवी कैसी है? वो मूवीज होती है ना जिनका ट्रेलर देखकर आपको बहुत ही अच्छा लगता है पर मूवीज में उतना दम नहीं होता, तो ये मूवी ऐसी ही है। मतलब इसके ट्रेलर में तो इतना दम था कि इसको देख कर कई लोगों ने तो बोल ही दिया था कि ये मूवी दरअसल पॉप कल्चर को लाएगी, पर देखा जाए तो मूवी में वो दम नहीं था। अगर मूवी की कहानी की बात करें तो दरअसल ब्रिटेन में दो गैंग्स होते हैं। एक गैंग का लीडर एक ब्रिटिश होता है, वही अंग्रेज, और दूसरे गैंग का लीडर एक तमिल होता है। तो जो अंग्रेज होता है वो सोचता है कि इसको कैसे हराए। तो चलो एक काम करते हैं, डिवाइड एंड रूल का मॉडर्न वर्जन यूज करते हैं। तो उसने क्या किया कि इंडिया से एक गुंडे को उठाया अपने राइवल को खत्म करने के लिए, यानी धनुष के कैरेक्टर को। तो हमारा मेन कैरेक्टर इंग्लैंड में आता है और यहाँ पर आकर वो धीरे धीरे समझता है कि उसका काम क्या है और उसको समझ में आता है कि असली माजरा क्या है। तो वो धीरे धीरे उस अंग्रेज के खिलाफ ही चला जाता है और बस इतने तक की कहानी है। मतलब इसमें अगर सच कहूँ तो इसमें क्या है, इसमें धनुष है, इसमें गैंगवार है, इसके धोखाधड़ी है, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ इसमें इमिग्रेंट प्रॉब्लम है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ऐसा मुझे लगता है मूवी में। एक्शन सीन्स के बात करूँ तो मूवी में एक ही एक्शन सीन था जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है, वो था धनुष जो इंडिया में होता है उसका एक कैफ़े होता है, मतलब एक होटल ढाबे की तरह होता है। उस ढाबे में मतलब वो एक बारूद लेके वो बॉम्ब बनाता है, बॉम्ब बना के उसमें आग जलाता है और उसको लेके दौड़ता है। तो उसमें जो पीछे बीजीएम बजता है और वो जो सीन है वो कमाल का है। बाकी जितने भी एक्शन सीन थे वो उतने मतलब मज़ा नहीं आया ये बोल सकता हूँ। और एक्टिंग की बात करूँ तो सभी का काम मुझे उतना मतलब खास नहीं लगा, मतलब एवरेज ही लगा है मुझे। किसी ने अपने कैरेक्टर को मतलब ओवर जस्टिफाई या पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं किया है, मतलब बस कर दिया है, काम ख़त्म हो गया। अब इस मूवी की सबसे बड़ी दिक्कत की बात बोलूँ तो इस मूवी में जो सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि इसका जो फर्स्ट हाफ है और सेकेंड हाफ है वो बहुत ही ज़्यादा सरदर्द देने वाला है। मतलब मूवी के डायरेक्टर ने फर्स्ट हाफ को बहुत ही ज़्यादा स्लो रखा है, वही सेकेंड हाफ को बहुत ही ज़्यादा फास्ट। प्लस अगर आप मूवी के फर्स्ट हाफ को देखें तो आपको लगेगा कि आप एक गंगस्टर मूवी को देख रहे हैं, पर सेकेंड हाफ में आती ये मूवी अपने आप को पूरी तरह से बदल लेती है। सेकेंड हाफ में ये मूवी एक इमोशनल ड्रामा बन जाती है और इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर, उनके इमोशंस के ऊपर, उनके फीलिंग्स के ऊपर, वो क्या झेलते हैं, उनको क्या सहना पड़ता है, उनको क्या स्ट्रगल करना पड़ता है, ये सब दिखाती है, जो मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं थी। और यही चीज़ इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा बचकाना बना देती है। ऑनेस्टली बोलो इसकी ज़रूरत नहीं थी, पर पता नहीं क्यों डायरेक्टर का दिमाग घुमाया और उसने यहाँ पर इमिग्रेंट माइग्रेंट्स को घुसा दिया है। ओवरऑल इस मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है, ऐसी मूवीज आपने हज़ारों देखी होंगी। अगर आप धनुष के बहुत बड़े फैन हैं और अगर आपको धनुष की ऐसी मूवी देखनी है जहाँ पर धनुष फॉरेन लोकेशन में जाकर एक्शन करते हैं तो ये मूवी आपको पसंद आ सकती है। पर अगर मेरी मानो तो धनुष का जो अब तक ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है ये मूवी उस ट्रैक रिकॉर्ड के ऊपर फिट नहीं बैठती। मेरे कहने का मतलब है ये मूवी बहुत ही ज़्यादा एवरेज है, उसमें उतना कुछ नहीं है जितना हमने ट्रेलर और टीज़र में देखा था। I mean, अगर सच कहूँ तो मूवी से बहुत ज़्यादा अच्छा तो ट्रेलर और टीज़र था, जिन्हें देखकर तो कम से कम बहुत ही ज़्यादा हाइप तो उठी थी, पर इस मूवी को देखकर वो फील नहीं आई जो टीज़र और ट्रेलर को देखकर आई है। तो ये था आज का रिव्यू, मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और वीडियो में जहाँ हम शेरनी के ऊपर बात करेंगे। तो जब तक वो वीडियो नहीं आता तब तक आप मेरे पुराने वीडियोज़ देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।